हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi 9 Prime, Poco M2, Redmi 8 ये डुअल, Redmi 8 ये 8A डिवाइस के लिए MIUI 12 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो कब तक रोल आउट किया जाएगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यह वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप लोगों को अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारी जानकारियां मिल जाएं जो मैं इस वीडियो में बताता हूं। तो बात कर लेते हैं Redmi 9 Prime डिवाइस की। तो इस डिवाइस के लिए जो MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो आप लोगों को 2 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा, दिसंबर के महीने में। अब हम बात करते हैं पोको M2 की। तो Redmi 9 Prime और पोको M2 डिवाइस सेम टू सेम है, इसीलिए पोको M2 डिवाइस में भी जो MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो 2 वीक के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं Redmi 8A Dual की। तो इस डिवाइस के लिए जो MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 या 2.5 हफ्ते पहले एक नया अपडेट Redmi 8A Dual डिवाइस के लिए रोल आउट कर दिया गया था। Redmi 8A डिवाइस के लिए जो MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो भी आप लोगों को जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब Redmi 8A Dual डिवाइस के लिए जनवरी में MIUI 12 का अपडेट रोल आउट किया जाएगा तो Redmi 8 और 8A डिवाइस के लिए भी MIUI 12 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो जनवरी के मंथ में ही रोल आउट किया जाएगा। बात कर लेते हैं Android 11 की। तो Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro डिवाइस के लिए जो Android 11 का ऑफिशियल अपडेट है उसकी टेस्टिंग स्टार्ट है। आप लोगों को जनवरी के मंथ में Android 11 का अपडेट इन दोनों डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ओटीएल लिंक, डाउनलोड लिंक सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर टेक्निकल सोम जी सर्च कर लीजिए और ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए।